हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, तो ये सैमसंग का फ़ोन है। दोस्तों, सैमसंग का आपका कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, इसमें आपको मैं 5 टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, 5 सेटिंग इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि आपका सैमसंग का फ़ोन अचानक टच काम करना बंद कर देता है या आपका टच मतलब हैंग हो गया है, सैमसंग के लोगों पे हैंग हो गया है, तो एक बार इस ट्रिक का इस्तेमाल आप जरूर है जरूर कीजिए। दोस्तों, मान लीजिए आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है या आपका स्क्रीन ब्लू हो गया है या आपके स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है, आपका फ़ोन आ रहा है जा रहा है और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरूर इस ट्रिक को एक बार इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करना है। मान लीजिए आपका टच का नहीं काम कर रहा तो आप अपने फ़ोन को कैसे रिबूट और रिस्टार्ट करोगे दोस्तों? तो रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको पावर बटन और जो है वॉल्यूम डाउन बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम पावर बटन को कुछ टाइम प्रेस करके देख लेते हैं। किसी किसी फ़ोन में भी ऐसा हो जाता है कि पावर बटन को प्रेस करने से हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो जाता है। कुछ टाइम तक हम पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है सैमसंग मोबाइल में वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है दोस्तों। आपको दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है लगभग 10 से 15 सेकंड तक, जो भी हो मतलब जब तक आपका फ़ोन मतलब रिबूट ना हो जाए, वाइब्रेट ना हो जाए, तब तक आपको दोनों बटन को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए हम दोनों बटनों को जो प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो गया है। तो आपका यदि अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, आपका हैंग हो गया है, आपका सिर्फ ब्लू डिस्प्ले आ रहा है, आपका ग्राफिक नहीं आ रहा है या मतलब आपका फ़ोन आ रहा है आपके डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार जरूर इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए। आपको क्या करना है इसके लिए, आपको अपने फ़ोन को रिबूट करना है और रिबूट करने के लिए आपको जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है लगभग 10 से 15 सेकंड तक रखना है, जब तक आपका फ़ोन जब तक वाइब्रेट ना हो जाए, रिस्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपको मतलब प्रेस करके रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है टच हैंग हो गया था, टच नहीं काम कर रहा था, यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा फ़ोन देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर टच काम करना शुरू कर दिया है, यहाँ पर हमारा जो है टच काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये मेरा सबसे पहला मतलब ये सेटिंग इंपॉर्टेंट सेटिंग था दोस्तों। और ऐसा प्रॉब्लम उस फ़ोन में आता है जिस फ़ोन का मतलब अधिकतर फोल्डर चेंज रहता है, यदि आपने फोल्डर चेंज करवाया है तो आपके जो है डिस्प्ले में ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है दोस्तों। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो एक बार अपने फ़ोन को आप रिबूट और रिस्टार्ट जरूर कर लीजिए दोस्तों। इस तरीके से आप जो है रिबूट और रिस्टार्ट करोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब हम आपको दूसरा सेटिंग बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम आपको स्क्रीन शॉट लेने का तरीका बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत से नॉर्मल फ़ोन में ऐसा होता है कि आप जो है 3 फिंगर से जब ऊपर से नीचे की तरफ स्वीप करोगे तो आपको जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको प्रेस करके छोड़ देना है, दोनों बटन को एक साथ आपको प्रेस करना है, उसके बाद छोड़ देना है, तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा स्क्रीन शॉट हो गया है दोस्तों। ये हमारा दूसरा ट्रिक है, दूसरा सेटिंग है दोस्तों, ये जो है स्क्रीन शॉट। आप अपने सैमसंग मोबाइल में स्क्रीन शॉट कैसे लोगे, तो इसके लिए आपको जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को होल्ड करना है और दोनों को मतलब एक साथ प्रेस करना है दोस्तों। दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो आपको जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए हम फिर से आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया तो ये हमारा जो है स्क्रीन शॉट हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है अपने सैमसंग फ़ोन में स्क्रीन शॉट ले सकते हो, इस तरीके से जो है आप अपना स्क्रीन शॉट कर सकते हो दोस्तों। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करना है, प्रेस करके छोड़ देना है, तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों एक सेकेंड के लिए। और अब रहा हमारा ये तीसरा सेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। आपका मतलब कभी कभी हमारा फ़ोन ऐसा हो जाता है कि जब हम कहीं भी टच करते हैं तो मतलब हमारा जो है ऐसे गोला बनता है, हरे रंग का आइकन बनता है, नीले रंग का आइकन बनता है और मोबाइल से बोलने का आवाज़ आता है और टच जल्दी काम नहीं करता है दोस्तों। तो ये मतलब ये टाल बैक सेटिंग हो जाता है दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपका कहीं भी टच करोगे, आप लॉक खोलोगे तो आपका लॉक नहीं खुलेगा, आप कहीं भी टच करोगे तो वहाँ से बोलने की आवाज़ आएगी दोस्तों और जल्दी आपका टच काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको एक फिंगर से जब काम करोगे तो आपका काम नहीं होगा, यहाँ पे आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है दोस्तों। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको डबल प्रेस करना है और ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम डबल फिंगर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम इसको इसका लॉक खोलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डबल फिंगर का प्रयोग करके इसको स्वीप करेंगे ऊपर की तरफ, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है लॉक आ जाएगा, लॉक जो हम खोल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हमें डबल प्रेस करना है और ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है इसका लॉक खोल लेते हैं, इसका लॉक यन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे लॉक खुल गया। लॉक खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से देखना,
आपको सेटिंग में जाना है तो जैसे सेटिंग पे आप जब एक बार क्लिक करोगे तो ये ओके नहीं होगा, एक बार क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और डबल प्रेस करोगे तो ये आपका ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हम डबल प्रेस करेंगे दोस्तों। डबल प्रेस करके हम जो इसको ओपन कर लेंगे, तो चलिए आपको यहाँ पे डबल प्रेस करना है। डबल प्रेस करोगे तो आपका जो है सेटिंग ऊपर हो गया। अब हमने जैसे बताया था कि आपको ऊपर नीचे करोगे तो आप एक फिंगर से ऊपर नीचे करोगे तो नहीं होगा, आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है। डबल फिंगर का प्रयोग करके आप जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो चलिए डबल फिंगर से हम इसको ऊपर की तरफ स्वीप करेंगे और यहाँ पे हमें जाना है दोस्तों, और ऊपर जाएंगे। चलिए यहाँ से ध्यान पे देखना दोस्तों, आपका जो है यहाँ पे आपको एक्सेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे जाना है आपको, एक बार सेलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और डबल प्रेस करोगे तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक टॉल बैक का ऑप्शन है, टॉल बैक पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और डबल प्रेस करेंगे तो ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डबल प्रेस करेंगे तो ओके हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा टॉल बैक ऑन है, तो यहाँ से हम इसको एक बार सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है टर्न ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। टर्न ऑफ पे हम एक बार क्लिक करेंगे और डबल प्रेस कर देंगे तो यहाँ से जो है हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा जो है टॉल बैक ऑफ हो गया। अब हमारे मोबाइल से जो है बोलने की आवाज़ नहीं आएगी और हम कहीं भी टच प्रेस करेंगे तो हमारा जो है तुरंत टच काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपने मोबाइल का जो है टॉल बैक डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत से फ़ोन में हो जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अब हमारा फटाफट सब कुछ काम कर रहा है, मोबाइल से बोलने की आवाज़ भी नहीं आ रही है और ना ही हरे रंग का आइकन बन रहा है। तो इस प्रकार से हम जो अपने मोबाइल का टॉल बैक जो है डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आपको एक और सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, ये चौथा नंबर का सेटिंग है दोस्तों। यदि आपके मोबाइल से मतलब बैक की आपका गायब हो गया दोस्तों, ऐसे में आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए नीचे जो है यहाँ पे बैक की होम की होता है, तो ये हमारा यदि आपका जो है मतलब गायब हो गया है यहाँ पे आपका नहीं है तो आप कैसे इसको जो है सेटिंग करोगे दोस्तों, यहाँ पे बैक की आप कैसे लाओगे, इस बारे में इस वीडियो में मतलब इसे इस चौथे ट्रिक में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका मतलब यहाँ से बैक बटन गायब हो गया है और आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप बैक कर लीजिए। इस प्रकार से आप स्वीप करोगे तो भी आपका बैक हो जाएगा, लेकिन ऐसे में यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, आपका बैक बटन हाइड हो गया है, तो आप सबसे पहले दोस्तों सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको मैं बताऊँगा, ध्यान से देखना दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे जाना है, तो यहाँ पे आप दोस्तों डिस्प्ले में भी जा सकते हैं। डिस्प्ले में जाओगे तो आपको थोड़ा नीचे जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन बार, यहाँ पे आपको ओके कर दोगे दोस्तों। यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्वीप बटन का और जो है बटन का दोस्तों। तो यहाँ पे हम बटन पे ओके कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बटन पे जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे नीचे देखिए बैक बटन का ऑप्शन आ गया। तो ये सेटिंग मतलब सबसे अच्छा है, यदि आपको जो है स्वीप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आप जो है बैक बटन को इस प्रकार से अपना जो है ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो आप बैक बटन इस प्रकार से सेटिंग कर सकते हो अपने मोबाइल में यदि आपका स्वीप करने में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। तो चलिए अब लास्ट सेटिंग के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों इस वीडियो में, ये पाँचवा सेटिंग है दोस्तों। यदि आपके डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया है, और यदि आपके डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया तो उसको आप सही कैसे करोगे दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारा लास्ट ट्रिक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसके लिए आपका यदि डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया तो दोस्तों आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे चले जाइए। एक्सेबिलिटी पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्जन पे यहाँ पे ओके कीजिए। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों कलर करेक्शन में यहाँ पे ये जो है ऑन है, यहाँ से यदि आपका ऑन हो गया तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर दीजिए। अब हमारे जो है डिस्प्ले का कलर जो है सही हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमारा डिस्प्ले का कलर जो है सही हो गया दोस्तों। यदि आपका मतलब सेटिंग में कहीं से प्रॉब्लम हो गई, आपके जो है डिस्प्ले की फिगर मतलब कलर जो है बदल गया है, तो आप जो है इस सेटिंग से आपको ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।